इलाका लुट रहा है। भाजपा का एक भी नेता इलाके के हक में ना बयान दे रहे हैं, ना टोल कंपनी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर दरें क्यों बढ़ाई गई। ना आज भी बघोला में कोई पुल है, बघोलों का कट भी बंद हो चुका है। जो मुंड कटी है वहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, फुलवाड़ी के पास एक्सीडेंट होते हैं। तो शर्तों के मुताबिक इन्होंने जब ये एक्सप्रेस हाईवे अभी तक नहीं बनाया है, बल्लभगढ़ का आरओबी आज भी फोर लेन है, वहाँ भी जाम लगे रहते हैं, कोसी के अंदर जाम लगे रहते हैं आरओबी पर। तो जब तक सिक्स लेन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, इन्हें टोल लगाने का कोई हक नहीं। और हमने याचिका दायर की हुई है हाईकोर्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये टोल यहाँ से उखाड़ा जाएगा कानूनी तरीके। और ये भाजपा के, क्योंकि इनके आपस में इनका मिली भगत है, तो सरकार के घमंड से ये जो इस तरीके के गैरकानूनी कदम उठा रहे हैं, टोल बढ़ा करके जो इस इलाके के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम उसके विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हम हाई कोर्ट में भी इस बात की शिकायत करेंगे कि ये टोल की दरें बिना हाई कोर्ट से पूछे क्यों बढ़ाई गई। दलाल साहब, नेशनल हाईवे पर कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जो यहाँ नहीं है? सबसे पहले तो सिक्स लेन प्रोजेक्ट है, तो पलवल में भी फोर लेन पुल है, बल्लभगढ़ में भी फोर लेन पुल है जो रेल का है, और वहाँ जाम लगते हैं, पलवल में भी जाम लगते हैं। इसके अलावा जो यहाँ सफाई होनी चाहिए वो सफाई कभी नहीं होती, पशु सड़क के बीच में खड़े रहते हैं, कोई यात्रियों के लिए कोई रेस्ट हाउसेज का अभी तक बंदोबस्त नहीं है, और टोल के ऊपर वहाँ लोगों के साथ बदतमीजी होती है, मारपिटाई होती है। तो ये सारे के सारी सरकार की मिलीभगत से टोल कंपनी को लोगों के साथ गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिला हुआ है। इन्हें शर्माना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को। एक तरफ तो ये ईमानदारी और लोगों की रक्षा की बात करते हैं, ऊपर से फरीदाबाद पलवल के अंदर लोगों को टोल कंपनियों को लुटने के लिए भाजपा के नेता उन्हें विवश कर रहे हैं। टोल कंपनी के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। दलाल साहब, पिछले 5-6 साल में कितने परसेंट रेट बढ़े टोल के? ये टोल की जो दरें हैं, इसका कानून है एक्ट के मुताबिक, जो नेशनल हाईवे एक्ट में है, ये लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सर्वे के बाद ये टोल लगा सकते हैं। इन्होंने वो ट्रैफिक सर्वे भी झूठे आंकड़े तैयार किए हुए हैं, तो इन्हें इस तरीके से टोल बढ़ाने का अधिकार नहीं है। जब तक सुविधाएं पूरी नहीं होगी, ये टोल जो लिया जा रहा है ये भी गैरकानूनी है, बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।